सभी को जय श्री माता जी। पोस्ट लंच सेशन की शुरुआत होने जा रही है। ये सेशन का टाइम क्या हुआ है अभी? 3:34 ऑलमोस्ट 5 o'clock तक ये सेशन है। 5 o'clock ठीक, उसके बाद फिर यहीं, उसके बाद 8 o'clock डिनर। 8:30 बोला मैंने। 8:30 हाँ मैं मिस कर गया था। 8:30 को डिनर, उसके बाद 1.5 घंटे बाद 8:30 से 10 बजे के बाद फिर यहीं, ठीक है। चलिए तो किसके हाथ में माइक है? सरनजीत जी आइए। देखिए सरनजीत जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि अभी सरनजीत जी का प्रोग्राम था कल ही आते, ये 25 तारीख को एज पर शेड्यूल जो था, पर सडनली आपके फादर इन ला अपना, उन्होंने अपना क्या कहते हैं, प्रस्थान कर गए, शरीर को छोड़कर चले गए, तो अचानक से उनके सारी चीज़ें जो हैं दूसरे तरीके से हो गई घटित। तो उन्होंने फिर क्या करा, पहले उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रेरणा दी होगी श्री माता जी ने किसी भी तरीके से, तो उनको प्रेरणा मिली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दिन नहीं आऊँगा अगले दिन आ जाऊँगा। तो आज अगले दिन यानी कि आज की तारीख में हाजिर हो गए। तो जो कहते हैं ना, मैं आपको क्लियर बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं ये वो फला फला, ये हो गया वो हो गया। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, उसकी इंटेंसिटी है डिज़ायर की, या आपके अंदर ये प्रायोरिटी है कि नहीं मेरे को श्री माता जी ने चुना था और मुझे यहाँ आना था, सांसारिक जीवन में कुछ भी परिवर्तन आया हो कोई बात नहीं, मैं उसका थोड़ा एडजस्टमेंट करके आगे पीछे आई कैन मैनेज। तो ये उदाहरण बहुत सुंदर है और इसके लिए हृदय से हम आपका, आपके जो स्पिरिट है उसकी तारीफ करेंगे कि हाँ भाई ये जो इस स्पिरिट है ना, यही एक अचीवमेंट के लिए चाहिए होती है। स्पिरिचुअल अचीवमेंट तभी मिल पाते हैं। अब आश्चर्य की बात देखिए, सांसारिक चीज़ों के लिए तो हम पूरी जान मार देते हैं, लेकिन जहाँ आती है कि हम आध्यात्मिक तरक्की करें, वहाँ हम 1000 चीज़ें खुद कहेंगे नहीं नहीं वो हो गया, नहीं ये हो गया, नहीं वो हो गया, क्योंकि हमें लगता है क्या इससे, तो बस ये तो एक बोनस है, ठीक है हम संसार में अच्छे से जीते रहें, खाते पीते रहें, संपन्नता बनी रहे और हम ध्यान भी चलता रहेगा। पर नहीं, ये ऐसा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को ये रियलाइज ही नहीं है कि इस स्थूल देह के बाद की यात्रा का क्या होने वाला है, उसकी तैयारी कब करेंगे, उसके लिए हम कब तैयार होंगे। जिनको कहीं ना कहीं एहसास है उनके लिए टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि संसार तो चलता ही है, चलता ही रहेगा, हम रहे ना हैं पर ये हम ना होंगे, और अगर हम नहीं होंगे तो हमारे पास अवसर भी ना होगा अपनी चेतना को उन्नत करने का। तो समय जो है बहुत कीमती है, और कबीरदास जी ने इसी के लिए कहा था, संसार के जो प्रोजेक्ट मिले हैं किसी को बिजनेस मिला है, किसी को कुछ मिला है, उसको एनकैश करने के लिए, टाइम का ध्यान रखने के लिए नहीं सोचना असलियत में। कबीरदास जी ने इसी वाली बात के लिए कहा था, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या होत, कहा था ना यही वाला टाइम, कि जो अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए जो जीवन मिला है हमें, तो हमने तो इसे संसारिकता में गंवा दिया, और अब होश आया तो अब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, और अगले जन्म का पता नहीं कि इंसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इंसान बनेंगे तभी हमारे पास ये मौका होगा अपनी चेतना को हम विकसित कर सकते हैं, तो इसकी तो गारंटी कोई है नहीं। तो ये था, तो सरनजीत जी प्लीज। हाँ एक सेकेंड, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप नाम अपना बता दीजिएगा, हालांकि वो मैं बता चुका लेकिन फिर भी, और एक कहाँ से आए हैं और ध्यान में जुड़े, फिर बाद में यहाँ आने के अंदर आने की तीव्र इच्छा क्यों हुई, जूम सेशन में जुड़ने की इच्छा क्यों हुई, इस प्रकार की चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, आप सामने आ सकते हैं। मीनाक्षी इधर आ जाओ, थोड़ा खिसक जाओ सर जी। मेरा नाम सरनजीत है, मैं वसुंधरा का मैं रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में। पहले हम वेस्ट दिल्ली में रहते थे, तिलक नगर अशोक नगर में रहते थे, रजौरी गार्डन के पास। तो शहर में आने में ऐसा हुआ कि
मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे कुलीग है, तो मंगलवार को हमारे यहाँ पूजा होती थी। तो उसमें वो जो वहाँ पे सेक्शन में होती है वहाँ पे, उसके बाद उसने प्रसाद खाने के लिए ना ऊपर ऐसे हाथ रखा। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो उसने कुछ बताया नहीं। फिर मैंने कहा ये कुछ तो अच्छा, मेरे को वहाँ से कुछ अच्छा सा फील हुआ। वो हाथ से ना कुछ वो जो ऐसे कर रहे थे, तो मुझे उसमें कुछ अच्छा सा फील हुआ कि ये कुछ अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा क्या है, कह रहे तेरे मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का था, ड्रिंक्स वगैरह भी चलती थी और वैसे भी ऐसे था। तो वो कह रहे तेरे मतलब की चीज नहीं है। फिर मैंने किसी अपने दूसरे फ्रेंड से पूछा भी ये क्या करता क्या है, तो उसने कहा कि ये, क्योंकि वो खुद अपने आप में बहुत बढ़िया हमारा, हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसकी। तो मैंने कहा इसको मैं करना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि ये ना मेडिटेशन करते हैं, और वहाँ पे होता है नारायणा में, थर्सडे को होता है वहाँ, वहाँ पे होता है डॉक्टर प्रसाद के घर। डॉक्टर जी प्रसाद के। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो मैं थर्सडे को होता था, मैं अकेला ही चला गया वहाँ पे। तो थर्सडे को वहाँ पे तो डॉक्टर जी प्रसाद के यहाँ पे, वहाँ पे करा, किसी ने मेरे को पीछे से कुंडलनी भी चढ़ाई। मेरे को बहुत ज़्यादा कोई फील हुआ नहीं, लेकिन मैं अपना ऑफिस में कुलीग्स के पास जब उसके पास आके खड़ा होता था ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाता था। तब मुझे लगा कि ये अच्छा तो है। तो धीरे 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 ये अच्छा अच्छा फील होना शुरू हो गया। फिर एक दिन वो ऐसे कहता हम एक मार्केट रियलाइजेशन है उसमें चलते हैं। तो मैंने कहा मेरे को तो अभी वाइब्रेशन भी आती नहीं है। तो कहता चल कोई बात नहीं। वहाँ गए तो वहाँ पे ऐसे, उन्होंने कहा ऐसे हाथ करियो। तो मैंने ऐसे हाथ करा, तो मेरे को प्रैक्टिकली वहाँ से महसूस हुआ कि वो हाथों में से वाइब्रेशन बह रही है। जा रहा है तो वो मेरे को पहली बार महसूस हुआ। तो मैंने कहा, मेरे को फिर जब सेंटर में था, तो फिर सेंटर में क्या करते थे कि जैसे कोई नया सहयोगी आया है, तो बाकी लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे ले, मेरे को बहुत इंटरेस्ट होता था उसको। तो मैं उसको पीछे से करके पूरा ढंग से, मैं और वो, हम दोनों 15 मिनट सेंटर की दरियां बिछनी उठनी शुरू हो जाती थी, हम दोनों बैठे हुए, उस वो भी मस्त मैं भी मस्त, तो इस तरह चलता रहता था। तो वो फिर उन्होंने देखा जो हमारे यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे डिप्टी कोऑर्डिनेटर बना दिया, अच्छा क्योंकि मेरे को कुछ आता जाता तो था नहीं, लेकिन मेरे को ये वाला काम बड़ा अच्छा चढ़ा दो था। क्योंकि मेरे को लीडरशिप वाला ऐसा कोई था नहीं, लेकिन वो था कि मेरे को, फिर उन्होंने देखा कि ये बंदा ठीक है, तो उन्होंने मेरे को वो उसकी एब्सेंस में मैं कोऑर्डिनेटर जैसे वैसे हो जाता। फिर धीरे धीरे चलने लगा। फिर मेरी बड़ी इच्छा थी, सिख होने के कारण जो है ना, शिव माता जी के आल्टर को रखना बड़ा टेढ़ा काम था। तो पहले मैंने छोटा सा एक मंदिर लिया, फिर वहां पे लगाया, पहले तो किताब में ही रखते थे, फिर मंदिर में रखा, फिर इस तरह से। बट मेरी इच्छा थी, एक बार हम किसी आर्टिस्ट के यहाँ गए थे, तो उसके ड्राइंग रूम में श्री माता जी की फोटो लगी हुई थी। मैंने कहा यार जिंदगी में एक ही इच्छा है कि श्री माता जी की फोटो ड्राइंग रूम में ऐसे लगा लूं। तो फिर वो जो डिप्टी लीडर बनाया था इधर, तो डिप्टी लीडर से क्या हुआ कि फिर हमने घर अपना यहाँ बनाया, जहाँ ऑफिस था, ऑफिस हमारा था गाजियाबाद में, तो ऑफिस के पास ही घर हमने वहां से शिफ्ट करके इधर कर लिया वसुंधरा में। तो वहां पे वो फिर एक बात हुई थी कि सेंटर बनना है वसुंधरा में, करना है। तो मैंने कहा चलो यार तुम हमारे घर में ही बना लो सेंटर। तो वो जो है वो सेंटर हमारे घर में ही बना दिया। तो घर में बना दिया, तो डिप्टी लीडर का भी जो है वो लीडर ही बन गया। डेफिनेटली तो वो जो है फिर वो जो भी होता था, तो वो लोगों को रियलाइजेशन देना और ये सब, हालांकि लीडरशिप क्वालिटी अभी भी कुछ नहीं थी, लेकिन ये है कि वो वहां का कोऑर्डिनेटर या जो भी कुछ बोलो वो था। तो ये था। एक मिनट बीच में इंटरप्ट करूंगा। जब ये वाला अनुभव हुआ उठाने वाला, ये कौन सा सन था, ईयर? ये ईयर था 2000। अच्छा मैं जब ज्वाइन किया था तो हाँ 2003 में किया था।
2003 जब शायद, लेकिन ये जब ये घर में शुरू हुए, हाँ ये शुरू हुआ था 2012 के आसपास। ओके ओके, तो इसके आसपास चला, तो 2012 से लेके 2020 कोविड तक ये चलता रहा, 6-7 साल हमारे यहाँ चलता रहा। तो मेरे को उसके बाद ना वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आती थी, मतलब वाइब्रेशन बहुत बढ़िया से आती थी। वो कैसे फील हुआ कि हमारे वो जो मैटरनल है ना, वहाँ पे ड्रीम्स वगैरह बहुत चलती थी। तो मैं जो है मैंने कहा यार मैं वहाँ गया तो मेरे को वो गिलास पकड़ा देंगे, तो मैं कुछ घर से ही करके जाऊंगी। तो मेरे को जब शुरू शुरू हुआ था, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं था, मैंने 5-6 भजन ही गा दिए माता जी के सामने बैठ के। तो मेरे को आता हुए मैंने 5-6 भजन गा दिए, तो मेरे तब मेरे हाथों में से ना ऐसे फील हुआ कि बहुत तेज वाइब्रेशन फील हुई। अब मेरे को लगा कि कोई बंदा मर भी रहा ना तो मैं उसको उठा के खड़ा कर दूंगा, ऐसा मेरे को फील होने लगा। अब हम बैठे, मैं मेरी वाइफ दोनों बच्चे मेरे पीछे, हम वहां से निकले तो दिलशाद गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है उसके साइड पे ना बड़ी भीड़ सी हो रखी थी। मैंने कहा मैं लगता है मेरे को मुर्गा मिल गया। तो मैंने ना कार वहां रोकी, और उसके बाद मैं वहां पे उस वहां देखा मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी, एक बंदा लेटा पड़ा था और पूरी दुनिया इकट्ठी हुई थी। तो मैंने उसके ना माथे के दोनों तरफ हाथ रखे जोर से, तो उसकी आंखें खुल गई। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो उसकी गर्दन उड़ गई, उसके बाद वो बैठ गया। सिमादा ही ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो मेरे को सब समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है, बाकी को किसी को आया रहा है। तो वो जो है बंदा उठ के खड़ा हो, तो मैंने उसे बोला हेलमेट पहन के चलाएगा। उसके बाद अपना गाड़ी में आके बैठ गया। और मेरी वाइफ और बच्चे मेरे से पूछे पापा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं यार हो गया बस ऐसे ही। और हम वहां चले गए, लोगों ने मेरे को ड्रिंक पूछी तक नहीं, मैंने एक वैसे पानी का गिलास पकड़ा हुआ था उसी से चलता रहा। तो वो अपने अंदर वो पावर, मेरी पावर ज्यादा थी उनकी पावर से, तो वो मेरे को कुछ आता नहीं था करना, लेकिन मैंने इससे किया। तो ये चैतन्य से जो मेरे को पावर फील हुई ना, तो ये मेरी वो पहली एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया मजेदार। आपकी आपने कहा कि मैं मुर्दे को भी जिंदा कर दूं, तो मौका ही दे दिया शिवाजी ने भाई, जाने वाला इसे उठा दे। तो मेरे को ऐसे ना, फिर मेरा क्या था, तो थोड़ा इनोसेंस लेवल या इस तरह का थोड़ा ज्यादा है, तो उससे मेरे बच्चों को भी पता है कि पापा जिस टीम को सपोर्ट करें तो वो जीत जाएगी। तो वो दोनों, एक वो रियल मैड्रिड का फैन है, एक वो दूसरी उसका फैन है, तो वो कहे पापा आप मेरी टीम के साथ सपोर्ट करो। और एक बार छोटा था बेटा मेरा, हमारे ऑफिसर्स क्लब से घर थोड़ा सा पास में था, तो ऑफिसर्स क्लब में हम वहां से वापस आ रहे थे, तो बारिश आ गई बड़ी तेज। वो कहता पापा बारिश बंद करा दो, तो वो बारिश बंद हो गई, बड़ी बड़ी डिमांड आती थी। तो घर पहुंचे कहता पापा चालू करा दो। मैंने कहा ये तेरी अम्ब्रेला है, मैंने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही होता था। पर इस तरह के एक्सपीरियंस मेरे साथ ना लाइफ में बहुत हुए। एक बार मैंने लिखना शुरू किया तो वो रोज एक पेज भर जाता था, फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या चेंज हुआ, उसके बाद ये हो गया कि अब मैं जिस टीम अगर टीम को सपोर्ट करूं तो वो टीम हारने लग जाती है, क्योंकि अब क्या हो गया, अब मेरी अटेंशन वहां, माता जी कहते हैं वहां डालनी नहीं है तुमने, कुछ और जगह का हट गए ना, वैल्यू पता लगी। वो तो आपका मॉरल और आपका कॉन्फिडेंस और फेथ डेवलप करने के लिए उन्होंने ये आर्टिकल दे दिया आपको, जिससे आपको पता लगे कि आप कौन सी चीज के साथ जुड़े हो। जी जी बताइए बताइए। हाँ, तो इस तरह के एक आधा और भी है वैसे तो वो बता दीजिए, बड़े मजेदार हैं। नड्डी में हम गए, वहां 3 दिन का वो था प्रोग्राम था, तो फिर मेरे को वही हाल हो रहा, हाथों से बड़ी तेज वाइब्रेशन। अब मैंने कहा कि यार जो भी होगा जो सोचेंगे होगा, तो वहां पे मैंने कहा एक चंडीगढ़ में हमारे रिलेटिव है, वहां पे हमने कहा नाइट स्टे करेंगे उसके बाद दिल्ली जाएंगे।
तो नाइट स्टे किया। अगले दिन शायद संडे था तो हम आए थे। तो मैंने कहा चलो, मैच चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, पांचवा दिन था। तो इंडिया के 7 बंदे आउट हो गए थे, 3 रह गए थे। तो मैंने कहा यार चिंता मत करो, टिकट जो है 500 रुपए की जगह वो 100 रुपए की हो गई। तो हमने, क्योंकि वो मैच हार ही जा रहा था, तो हमने वो 4 टिकटें ले ली। तो हम चारों कार में बैठ के पहुंच गए। इतना तेज वाइब्रेशन अभी चल रहा था कि मेरे को लगा था सब कुछ वही होगा। तो हम गए तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा स्टेडियम के काफी अंदर तक चले गए। एक कर्नल की गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे पीछे हम पूरा वहां स्टेडियम के पास पहुंच गए। और वहां जाके हम बैठे तो एक लक्ष्मण था, एक वो दिल्ली वाला लंबा जो है ना, वो लड़का आशीष शर्मा या से कुछ था, वो बैटिंग कर रहा था। 7 बंदे आउट हो गए थे। तो वो लोग कह रहे अरे, और 7 के 7 रुक गए। हम वहां बैठे, 8वीं विकेट नहीं गिरी। वो कितने 2-250 रन बना दिए उन्होंने। तो वो जो है वो भी वो बुक्स में होगा उस वाला। तो मतलब वो अटेंशन पे होगी, दुनिया में सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन मुझे अपना पता। रणजीत जी, ये सुन के आईपीएल वाले आपको ले जाएंगे भाई। नहीं, अब उल्टा हो गया। तो ये सब था। अब क्या है, अब तो अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मतलब हमें अटेंशन उधर डालनी नहीं है, उधर हम डालेंगे तो वो चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। तो हमें अटेंशन इसलिए, अब हमारी अटेंशन यहाँ पे, मुझे शिवादा जी ने यहाँ पे छोड़ दिया कि यहाँ पे कहाँ पे अटेंशन डालनी है, वो वर्किंग अब यहाँ से पता लग रही है। तो पहले तो ये वाली चीजें हो रही थी, लेकिन बाकी चीजों में नहीं था। अब फिर मेरे को ये यहाँ इससे जुड़ा, तो हमारे ऑफिस में ही हमारी कुलीग है, एक हमारी और नेबर है, उन्होंने हमें बताया कि भाई आप ना इस तरह का प्रोग्राम करो, अच्छा करो। तो वो पहले मैंने वो ज्वाइन किया, वो मंजू दीदी वाला, हमने वो 1-2 दिन अटेंड किया। तो उससे मेरे को एक डिफरेंट फील हुआ, एक डायरेक्शन मेरे को डिफरेंट फील हुई। उसके बाद हमारे ऑफिस में कोलीग हैं, तो मीनाक्षी, इसने बताया कि भाई ये वाला अटेंड करो। तो फिर मैंने ये अटेंड किया। तो अब मेरे को जो है एक हार्ट में एनर्जी डिफरेंट तरह से फील हुई। तो एक और जो बहुत सारी जो अपनी अब सहज हम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन अभी हमें जैसे ट्रुथफुलनेस वो सब चीजें नहीं आ रही थी। अटैचमेंट्स अभी वैसे की वैसे ही थी, और आर्टिफिशियलिटी भी अभी थी। तो ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों में इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था। ये मेरी डिजायर थी लेकिन होता नहीं था। तो फिर मैंने जब यहाँ पे मैंने किया, तो मेरे को एक डिफरेंट एनर्जी अपने अंदर फील होनी शुरू हो गई। तो अपने हार्ट में एनर्जी फील होनी शुरू हो गई, ट्रुथफुलनेस के लिए कमिटमेंट और इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, आर्टिफिशियल हटना फील होना दिखना शुरू हो गया। और जो है बाकी किसी तरह का बनावटीपन ये वो सब लगा कि ये सब ठीक नहीं है। अटैचमेंट्स में भी अपने आप डिफरेंस फील हो रहा। तो ये अटैचमेंट पेनफुल होती है। ये तो अच्छा पार्ट बता दिया, कुछ खराब पार्ट भी लाइफ में होता है अटैचमेंट और इन सब के कारण। तो वो वाला पेनफुल होता है। तो वो जो है वो यहाँ आके फिर मेरे को अटैचमेंट्स में रिड्यूस हुआ और ट्रुथफुलनेस। तो ये इन चीजों से ना बड़ी एनर्जी, अपने आप के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी फील होनी शुरू हुई। तो अब जैसे फिर ये एक आधा और छोटा सा एपिसोड ये था कि मैं थोड़ा सा वो फादर इन लॉ का जो अभी रिसेंटली हुआ, तो वो उसमें थोड़ा सा अटैच हो रहा था हल्का सा। फिर मेरे को रमनी दीदी का फोन आया, गीता दीदी का फोन आया, तो उन्होंने हल्का सा मुझे ट्रिगर किया, तो मैंने अटेंशन हटाई। तो वो जो वो प्रोग्राम था हमारा 24, 25, 26 का,
तो 26 तारीख को उन्होंने गुरुद्वारे वालों ने बोल दिया कि ये गुरुद्वारा ही फुल है, तो हमने वो अपने आप 23, 24, 25 का हो गया प्रोग्राम और 26 क्लियर निकला। तो ये उन्होंने बोला था कि भाई हो सकता है प्रोग्राम ही शिफ्ट हो जाए, तो वो प्रोग्राम शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीजें अपने आप वही है, अजय जी है, इन्होंने भी बहुत पहले बोला था कि शहर में इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, तो मेरे को ये बात याद रखती है कि इसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो चीजें अपने आप जो है वो साफ हो जाएगी। तो पहले मुश्किल लगता है, बस प्रायोरिटी की बात है, पर जैसे ही हमने प्रायोरिटी को टॉप पे लिया है तो वो आप उस पर कमिट हो जाते हो और बाकी सारी चीजें उसके अलाइन हो जाती है। तो ये वाली चीजें बहुत अच्छी लग रही है, तो श्री महादेव जी का बहुत धन्यवाद है और विश्वास भी पूरा है कि अच्छी जगह ही ले जाएगी माँ। और इससे अच्छी सुंदर जगह जिंदगी में लाइफ में मिल ही नहीं सकती, जहाँ पे आपको अपनी सोल और अपना जो लेवल है उस लेवल की सोल आपको मिलती है, तो इससे दुनिया में इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, ये हमारी सोल को पता है। और ये जो मोमेंट्स हैं चाहे हम कैसे भी बिताएं, ये हमारे को फिजिकली कैसे भी लगे लेकिन हमारी सोल को बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द लाइफ लगते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। पर मेरा एक प्रश्न है संजीत जी, जैसे कि आप कई साल तक आपने यहाँ सेंटर चलाया, एक सेंटर वाला स्टेटस होता है, बड़ा अच्छा भी लगता है कि ठीक है हमारे से शिमाते ही कार्य ले रही है, सेंटर चलाने वाले से इधर शिफ्ट कैसे हो गए? बड़ा मुश्किल होता है उधर से इधर शिफ्ट होना, यानी कि जो सेंटर चलाने में अच्छा लगने लगता है ना, तो बहुत कम लोग छोड़ नहीं पाते उसे बहुत लंबे समय तक, एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है कि हम जो है सेंटर ही चलाएंगे, अच्छा लग रहा है ना, मॉरल भी बूस्ट होता है, 50 लोग मिलते हैं, 50 लोगों के साथ करते हैं, 50 लोगों को आनंद आता है, फिर हमारे को अच्छा लगता है। तो ये शिफ्ट कैसे आई कि सेंटर से हटकर, आप सेंटर चलाने से हटकर इधर की तरफ कैसे आ गए? हाँ, सेंटर जब चलता था तो एक ये अच्छा लगता है कि भाई बहुत सारे लोग आ गए और अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन भी होती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान बन गई, रिकॉग्निशन मिल रही है, तो उससे आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना ईगो वाला को प्रायोरिटी देने वाला मैं बहुत ज़्यादा मैं शायद कम हो सकता है, हो या नहीं ये तो बहुत नहीं पता, बट जो है थोड़ी मेरी इच्छा थी कि ये जो है मेरे को पीछे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता, तो उसमें जो है वो क्योंकि मैंने देखा है जैसे ही आप लीडर बनते हो ना तो आप हैप्पीनेस से दूर हो जाते हो। कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो हैप्पीनेस नहीं आती, वो एक अलग डिफरेंट तरह का वो हो जाता वो, लेकिन आप सहज करने क्या आए थे वो भूल जाते हो। बेसिक पर्पस सहज जो आप करने आ रहे थे वो तो आपको आत्मा का आनंद लेना है, तो आपको लीडरशिप तो हो सकता है ऑफिस में मिल कर सकते हो या कहीं और कर सकते हो, लेकिन आप सहज में लीडरशिप तो मिक्स मत नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आप बेसिक अपने जॉय से छूट जाते हो और आप वो एक दुनिया के उसमें चक्कर में फंस जाते हो। तो लीडरशिप में हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस तो वही है जो पीछे बैठ के माँ से जुड़ा हो, जिसके हृदय में श्री माता जी को महसूस कर रहा है, हैप्पीनेस तो उसी से आएगी, आज्ञा से नहीं आ सकती। तो ये जो है ये चीज मैंने फील की, तो वहां पे दोबारा आ रही है, क्योंकि इधर से इधर शिफ्ट होना बहुत टेढ़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो हट नहीं पाते, वहीं पर ही बस सब सांझ हो जाती है वहीं पर ही उसी पर ही, तो और उसके बाद क्या होता है, अफसोस होता है यार डेवलप तो हुए नहीं, हम तो इन्हीं चक्करों में लगे रहेगा, ये अरेंज करना है, वो अरेंज करना है, वो अरेंज करना है। तो ये इसीलिए मेरा प्रश्न इसीलिए था क्योंकि आपके ज़रिए ऐसे ढेर सारे और भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे जो इसको आपकी बातों को सुनेंगे और उनके अंदर ये संघर्ष चलता भी होगा कि भाई खुद तो मज़ा आ नहीं रहा है, ठीक है हम बहुत कुछ कर तो रहे हैं, सारे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तालियां भी पिट रही हैं, मालाएं भी पहनाई जा रही है, आरती करने का भी मौका पब्लिकली मिल रहा है, पर अंदर का कंपार्टमेंट जो है खाली पड़ा हुआ है,
उसमें तो कहीं वीरानी और उदासी नजर आ रही है। तो ये आपने बहुत सुंदर तरीके से रिकॉग्नाइज किया कि भैया ये चीज़ चाहिए। आप लीडर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके साथ लीडर हो तो बेस्ट, अगर आप जॉयस रहते हो और आप लीडर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और लीडरशिप के लिए श्रीमाती ने बोला तो था, लीडरशिप व्हाट इज नॉनसेंस, देयर इज नो लीडर इन सहज योगा, दोज हु हैव डेप्थ दे आर द लीडर्स, और उनको डिजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली घटित हो जाता है। ऋषि माता ने बोला व्हाट इज नॉनसेंस, लीडर्स देयर इज नो लीडरशिप इन सहज योगा। तो इस प्रकार से जो है आपने उस तथ्य को सही समय पे पहचाना और फिर आपने शिफ्ट किया इधर को। अब कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है। अब जो है अपनी एनर्जी को फील करते हैं। सेंटर में क्या होता था कि रियली मतलब जो हमारे को डलनेस आ जाती थी, एक लंबी स्पीड हम उसी में लगे रहते थे कि ये करना है, इसमें कितने मिनट लगेंगे, ये करेगा इसमें कितने मिनट लगेंगे। श्री माता जी की स्पीच सवा घंटे की है, कौन सी आधे घंटे की लगाएं, कैसे करें, यही दिमाग में क्वेश्चन रहते थे। और स्पीच में भी वो आनंद नहीं आता था, हम जो है एक बहुत सारे लोग तो ड्रॉजीनेस आ जाती थी, नींद आ जाती थी। तो उसके बाद उठ के आरती करके प्रसाद ले लेते थे, तो उसमें एक कलेक्टिव तो होता था लेकिन हार्ट की एनर्जी नहीं होती थी। हार्ट की एनर्जी जो है और हल्का फील करना, हार्ट की एनर्जी को फील करना। अब स्पीच सुनते हैं तो बिल्कुल शार्प, क्रिस्टल क्लियर और एकदम क्लैरिटी से वो चीज़ वो महसूस होता है, तो दैट वो डिफरेंस बिल्कुल जो है अपने अंदर महसूस होता है। इसके लिए एक सेकंड जी सरनजीत जी। तो चला गया, हेलो क्या हो गया? नहीं, इसको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है मेरे ख्याल से। आप चला है वो बंद कर दिया था गलती से, आ गया होगा। हेलो आ गया, वो ऑफ हो गया गलती से जी। तो जैसे अब बाकी बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और घर के फ्रंट पे ये है कि वाइफ है मेरी, वो पीछे पीछे चल रही है, पीछे पीछे पता नहीं आगे चल रही है या पीछे चल रही है, मुझे पता। लेकिन दिस इज द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। तो वाइफ मतलब मैंने ज्वाइन किया तो एक हफ्ते बाद उसने भी शहर ज्वाइन कर लिया, हालांकि वो नहीं वीडियो कैसे देखा उन्होंने वो बता। हाँ, नहीं नहीं एक मिनट पहले वो बता दो ना। शहर लेट फ्लो में मतलब वो शहर उन्होंने ज्वाइन, शहर वाइफ ने ज्वाइन कर लिया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके एक दो हफ्ते में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी वो फैमिली फ्रंट पे इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा जॉब टीचिंग का है तो उसमें जो भी है तो उसकी उसको ज़्यादा वो मिलता है। बट ये मेरे को लगता है कि जैसे अगर थोड़ा सा अगर मेरे को स्पेस मिल जाता है कि आप अपना ध्यान कर सकते हो, तो उसको कंपैरेटिवली अभी स्पेस कम मिल रहा है लेकिन डिज़ायर उसकी इक्वली इम्पोर्टेंट उतनी है, तो वो भी कर रही हैं। और उसके बाद वो वीडियोस वगैरह भी उसने भी शुरू वीडियोस कर रही है, वो भी कर रही है। उसको कहाँ से क्लिक किया ये पता नहीं है। हाँ, एक बारी उसने ऐसे जूम की वो क्लास जब मैंने पहली शुरू की थी तब उसने कहा कि क्या कर रहे हो, मैं देखूं क्या। उसने दो मिनट, मैंने कहा देख ले, दो मिनट मतलब उस पर स्पीकर पे था तो दो मिनट उसने सुना, फिर वो चली गई। कह रही कि नहीं अभी मेरे को क्लासेस करनी है, अभी मेरे को अपना वो करना है, तो वो पहले पूरी करूँगी उसके बाद फिर मैं आऊँगी। तो वो उसने राइट चैनल ही लिया हुआ है, तो वो अपना उसकी अपनी जर्नी है, वो अपना कर रही है, जो भी करेगी
वो मैंने उसे बोला भाई ये देखो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, हम सब एक रिलेशन है बट हम सबका एक अलग अलग वो है, स्पिरिचुअल जर्नी में सब अलग है, सबको अपना जर्नी अलग से कैरी करनी है और उसमें जैसे जैसे जो आएगा वैसे वैसे वो चलता जाएगा। तो वो वाइफ है और बच्चे हैं हमारे, तो वो दोनों हैं, वो वैसे पहले करते थे मेडिटेशन, अभी कॉलेज में जाके थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट ये है कि उनको पता है जब भी थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं, वैसे क्लियर बहुत इनोसेंट लेवल बहुत हाई है, बाकी से ट्रुथफुलनेस के बहुत नज़दीक है, इनोसेंट है, और जब कभी जरूरत होती है श्रीमाता जी से मांग लेते हैं, हो जाता है काम उनका। तो अभी वो छोटा वाला अभी दो हफ्ते पहले ही वो उसका था, वो उसको सब्जेक्ट चूज करने थे अपने, तो बड़ा हाई वो चल रहा था वॉल्यूम, तो उसमें सब्जेक्ट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो रश वो उस स्लॉट में वो उसको सब्जेक्ट मिल नहीं पा रहा था, तो फिर वो जो है उसके बाद वो स्लॉट निकल गया, तो उसके बाद टॉप के सब्जेक्ट चले गए, सेकंड लॉट चला गया, फिर कह रहा है मैंने प्रे की श्री माता जी से, तो अचानक वो 10 मिनट के लिए वो स्लॉट उसका लिंक क्लिक हो गया, उसमें जो टॉप का सब्जेक्ट था वो किसी ने छोड़ा वो आ गया, उसने क्लिक कर दिया तो वो मिल गया। तो ये छोटा छोटा इंसिडेंटल है जो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, जो भी उनकी वो भी उनकी अपनी वो यात्रा है, तो वो उनका लेवल ये है। तो फैमिली फ्रंट पे ये अभी चल रहा है, मदर है वो करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन उधर जा रहा है, बहुत टाइम से वो करते आ रहे हैं गुरुद्वारे में और ये वो तो वैसा ही है, तो लेकिन अभी सहज करते हैं खूब अच्छे, थोड़ा सा उससे वाइब्रेशन लेवल अभी उतना नहीं है बट वैसे है। तो ये अपना फैमिली फ्रेंड पे चल रहा, बहुत बढ़िया। देखिए एक अच्छी चीज पता है क्या है कि आपको आपके अंदर ये चीज समझ में आ गई, आपको आपका जो जिस धारा से आप बह के आ रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि उस धारा से निकल के किसी और धारा में एंटर कर जाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, खास तौर से जिन सिख फैमिलीज में प्रकाश किया हुआ है घर में, तो वहाँ से इधर इधर आना वाकई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि घर में प्रकाश हो रखा है, ठीक है। हालांकि उसका पर्पस भी सेम है, कोई अंतर तो है नहीं, अगर आप उसकी गहनता में जाएंगे प्रकाश करने वाले घटनाक्रम की, तो उसका उसका जो मेन मोटिव है वो यही है, इधर लाना, उस अवेयरनेस में स्टैंड कर देना जहाँ पर आप ईश्वर के साथ महसूस करते हो जुड़ाव और उनके साथ उनकी गाइडलाइन में आप जीवन जियो, उसका भी तो एक यही मकसद है ना। तो ग्रंथ साहब का महत्व इसीलिए है कि आप जो कालानुसार कोई गुरु अगर अचानक से आ गया और वो सदगुरु नहीं है, तो कोई ऐसा ना हो कि ब्लाइंड फॉलोइंग करके वो गड्ढे में चला जाए। ग्रंथ साहब को इसलिए गुरु माना गया है कि उसके अंदर इतने सारे ऊंचे दर्जे के लोगों की वाणी है या उनका अनुभव है, तो एक समूल एक्सपीरियंस है उसका, और उसके लिए इसलिए कि भाई आजकल तो चैनल्स पे देखो कितने सारे गुरु हैं, गुरु घंटाल, तो उससे बचाए रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, इस मामले में कोई शक नहीं। और एक बार मैंने कहा ना वो जीवंत तो स्वयंभू है, वो ऐसे स्वयंभू हैं जो साकार में दिखाई देते हैं ग्रंथ साहब, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी बैठकर टेस्ट कर सकते हो। आप जैसे ही अभी देखो आप अपना फोकस उधर डालिए, अभी पता लग जाएगा आपको, एक सेकंड में ही सहस्त्रार हृदय देखो और वैक्यूम बनाना शुरू कर दिया सेंट्रल हार्ट में, कितने सेकंड लगी, लगी नहीं लगी, इसीलिए वो जीवंत है और वही गुरुओं में श्रेष्ठ है आज की तारीख में, क्योंकि सारे गुरुओं का निचोड़ तो उसी के अंदर मौजूद है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, वाणी जो होती है ना उसमें उनकी खुद की उपस्थिति है, इस कारण से ये एनर्जी फील्ड है। जितने भी हैं जिनकी वाणी है, जिन जिनके अपने अनुभव हैं, जिन भी ऊंचे दर्जे के लोग, वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं ना एक्चुअली। जो हरूफ होता है वो हरूफ ऐसे ही थोड़ी है बस लिखित में, वो तो सजीव है। तो इसीलिए आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी आती है। रीजन क्या है,
वो वाणी के साथ में खुद है और उनका जो सटल एग्जिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं ना, क्रिस्टलाइन बॉडी भी हो सकती है उनकी, कभी कभी किसी को दिखाई भी दे सकते हैं पारदर्शी स्वरूप में, और उनकी सूक्ष्म जो एक एनर्जी बॉडी है वो तो 100% है। एनर्जी बॉडी जैसे ही आप उनका स्मरण करते हैं वो आपको स्पर्श करते हैं तभी तो वाइब्रेशन आते हैं। वाइब्रेशन आने का मतलब क्या है? टच। और इनविजिबल एग्जिस्टेंसेस हैं, जितनी भी इनविजिबल एंटिटीज हैं ऊंचे दर्जे की, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो भी एनर्जी के फॉर्म में ही है, एनर्जी के फ्लो के फॉर्म में है, और इतनी स्विफ्ट है कि तत् क्षण स्मरण करते ही आपको स्पर्श करते हैं। कभी भी अजमा के देख लेना। आगे वाले डायमेंशन भी हैं, पढ़ लेना आगे वाले, अभी आगे की भी हैं, कुछ डायमेंशन मिल जाएंगे आपको, मेरे को टाइम नहीं मिला उन्होंने डाल देता। तो उसमें आपको एकदम स्पर्श करते हैं वो। सिरेंसी क्यों आती है? टच है, इट इज बिकॉज ऑफ टच, बट इट इज नॉट विजिबल बिकॉज आवर आईज कैन नॉट सी देम, बट आवर सेंसरीज जो हमारी स्किन है, सबसे बड़ा ऑर्गन मानी जाती है, टच फील होता है, तभी तो रोमचेदर खड़े हो जाते हैं स्पर्श। और उनके टच से क्यों रोमचेद खड़े होते हैं? क्योंकि इन सारे रोमचेदों पे देवी देवता हैं, उनको अच्छा लगता है स्पर्श, तो वो अपनी प्रसन्नता को रोमचेदों के माध्यम से प्रकट करते हैं और खड़े हो जाते हैं। अब कोई लेटा हुआ इंसान खड़ा हो जाए तो लगेगा ना, हाँ भाई उठ गया है, तो जगा हुआ है, तो ऐसे ही वो भी जागृत हो जाते हैं, या जागृत होते हैं या कहते हैं भी चलो खुश हो गए कि हाँ भाई किसी ऊंची की दर्जे की चेतना ने हमें स्पर्श किया है। वाइब्रेशन कोई एम ही थोड़ी आ जाते हैं, वो स्पर्श है, टच है। अब माँ आदि शक्ति को स्मरण तो करो, कट से आपके ससुराल पर स्पर्श देती हैं, यस बेटा आई एम देयर माँ, हाँ मैंने बताया था ना, आपको फील आता है बिल्कुल। तो इसलिए जो भी है, जो भी ऊंचे दर्जे की सोल्स हैं, जो भी ऊंचे दर्जे की चेतनाएं हैं, जो इस संसार का भला करने के लिए सदा सदा सक्रिय रहती हैं ऑलवेज, और आप इस जीवन काल में मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लोगे ना, यानी कि मुक्ति किससे? कंडीशनिंग से। आप भी उनके साथ नजर आओगे, आप भी वही कार्य करोगे जो वो कर रहे हैं 100%। वो भी मुक्त है, आप भी मुक्त होने वाले हो, तो आप भी उन्हीं के साथ रहोगे, आनंदित रहेगा, आपको कहेगा कौन जन्म ले भाई खाम खा, ऐसी ठीक है, हम तो ना नौकरी करने की जरूरत, ना बिजनेस करने की जरूरत है, ना दूध वाले की इंतजार करनी, ना दूध का ढोल लेके घूम गया ना, खाम खा के झंझट, चलो ऐसे ही घूमते हैं, और बटन दबा दी कहीं पहुंच सकते हो। अभी तो प्लान करना पड़ता है, यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, होटल बुक कराओ, फिर तो शू करके पहुंचते, कितना मजेदार सीन है। हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को ये शक्तियां ही प्राप्त हो जाए कि कहीं भी आप थ्री डायमेंशनल फॉर्म में आप ट्रांसमिट हो सकते हो, जो क्या कहना चाहिए कि क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो आप पारदर्शी एक थ्री डायमेंशनल फिगर के फॉर्म में हो सकते हो आने वाले टाइम में, वो भी होगा। देखो एक बात याद रखना, जो साइंस कर रही है वो सब वैसे ही होता है बिना साइंस के भी, बस साइंस इसको प्रूव कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यानी कि होता आ रहा है इसलिए साइंस दिखाई देती है आपको, क्योंकि पैरामीटर सेम है उन चीजों के, जो उनके मशीनरीज है वो मशीनरीज एक तरीके से डेवलप कराई गई है इसी चीज को बताने के लिए कि इन सब के बिना भी आप कर सकते हो ऐसा। दैट इज द प्रूफ ऑफ दैट जो स्टेटस है हमारा, और पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बहुत बार किया हुआ है, कहीं पहुंच जाते। अब नारद जी की कहानी सुनते हो, कभी तो सर्वलोक में होते हैं, कभी धरती पे होते हैं, एक ही मिनट में पहुंच जाते हैं, और नारद जी को सब संदेश देते हैं, नारद जी जरा विष्णु जी से कह देना हाँ गया अभी मैं आया। तो कहने का मतलब है उनके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, खूबियां हैं, आपके पास भी हैं, क्यों आपके पास आज भी हैं वो चेतना, चित्त के यान पर, चित्त के यान पर चेतना विराजी हुई है, बताओ कहाँ जाना है। अभी भी तो आपको वाइब्रेशन आते कैसे हैं, इसके पीछे साइंस कौन सी काम करती है, कौन सी साइंस काम करती है? मान लीजिए आपने कहा मेरा फ्रेंड अमेरिका रहता है,
हृदय कोश की स्थिति कैसी है, क्या गया है एक सेकंड में वहां पे, खटाक से चित गया, उसके साथ अवेयरनेस भी जुड़ी है, अवेयरनेस चूंकि वहां पे पहुंची है इसलिए आपको रिफ्लेक्सेस फील हो रहे हैं। चित खाली इंफॉर्मेशन देगा, रिफ्लेक्सेस नहीं देगा, पर चित के साथ अवेयरनेस है, अटेंशन के साथ अवेयरनेस है तो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। स्पर्श कितना फास्ट है ये, कितना स्विफ्ट है ये, तो आप अभी भी करते हो, कोई कहानियां थोड़ी नहीं है, सच्चे किस्से हैं ये, सच्ची कहानियां जो घटित हो रही है डे टू डे लाइफ में, पर हमको इसकी वैल्यू नहीं होती पूरी तरीके से, हम इसको बस ऐसे ही कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी संसार, नौकरी, दुकान, घर, परिवार, बच्चे, फला 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 फला, ये प्रायोरिटी है हमारी। एक तो होता है मजबूरी में हमें ये जीना है, सबसे अच्छी स्थिति है कि संसार में आप मजबूरी में हो, ये वाली स्थिति को महसूस करो, लेकिन इन्वॉल्व होकर जी रहे हो तो वो समस्या है। मजबूरी से मतलब है आपको पता है अभी मेरी सांसें हैं तो मुझे ऐसे ही रहना है संसार में, साथ में अपनी चेतना का भी कार्य करने के लिए जुड़ना है, पर सच्चाई यही है कि संसार में अगर आप ये फील करते हो मजबूरी में हूं तो बेस्ट स्थिति है। मजबूरी से का मतलब निगेटिव नहीं है उसके पीछे कि आप जीना नहीं चाहते, आपको इसकी वर्थ नजर नहीं आती, मजबूरी है कि वर्थ नहीं है इसकी, असली चीज ये है, क्योंकि संसारिक शरीर होने के कारण इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि बहुत कम समय आपकी इस अंदरूनी चीजों के लिए मिलता है आपको, लेकिन आप 24/7 वाले प्रोसीजर से तो सारे साथ साथ कर सकते हो, आप हमेशा कर सकते हो, नहीं है ना ऐसा, और आप सबने इसका प्रैक्टिस कर करके आदत डाल ली, किचन में हो, ड्राइविंग पे हो, ऑफिस में हो, आप कनेक्टेड हो, आप हर चीज को महसूस कर रहे हो, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही तो है, चमत्कार तो नहीं है, केवल प्रैक्टिस है, आता है ना मजा। हाँ, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस्तेमाल करनी पड़ती है इनपुट डालने के लिए, धीरे 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 करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है, जो कमांड रिपीट होगी वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगी ऑटोनोमस में, आपको फिर विचार नहीं करना पड़ेगा, आपको ये नहीं सोचना मुझे ध्यान करना है, आप ध्यान में ही हो, बिकॉज यू आर फीलिंग एनर्जी एट बोथ द सेंटर्स, आपके अंदर एक 5 वोल्ट का करंट पूरी बॉडी में हो ही रहा है, एक्नॉलेज कर रहे हो, अगर वो 5 वोल्ट का करंट जैसा आपके अंदर लहरें महसूस हो रही हैं सुबह से शाम तक, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में ही हो, इट इज बिकॉज ऑफ एक्नॉलेजमेंट। और इग्नोरेंस क्या है और एक्नॉलेजमेंट क्या है, इग्नोरेंस ये है ये तो हो रहा है पर एक्नॉलेज नहीं कर रहे, इतना ही तो है इग्नोरेंस और एक्नॉलेजमेंट, और इसी के अंदर गेनिंग है, जितना एक्नॉलेज करते जाएंगे गेन होता जाएगा, जितना इग्नोर करते जाएंगे नुकसान हो जाएगा, मिस हो जाएगा या फिर नीचे जाएंगे, नहीं। अब जैसे मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होती है टाइम बाउंड कि भाई ये लेना है उसके बाद ये ले लेना है 1 घंटे बाद, अगर आपने उसके बाद वो छोड़ दी तो पता लगा पहले वाली ये होता है इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, बेकार हो गई, वो ये बेस्ट हो गई, ऐसी बहुत सी मेडिसिन होती है कि साथ में सपोर्ट सिस्टम है उसका, फिर आपको दोबारा शुरू करो। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का एक पेटेंट ट्रीटमेंट है 9 मंथ का, डेली एंटीबायोटिक खानी है, कोर्स है डेली का, बहन को तो पता ही है, मैं तो ऐसी डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरे को मेरे संपर्क में लोग ऐसे आए जो इस चीज से गुजरे, बोन के अंदर थी उनकी ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम, तो उसके बाद लापरवाही हो गए, पता लगा 2-4 दिन 6 दिन मिस कर दिए, उसके बाद फिर वहीं से शुरू करना पड़ा, 4 महीने का कोर्स बेकार हो गया, यानी कि डेली खाना, डेली खाना, डेली अटैक करना है, क्योंकि इतने में रिकरेंस हो जाती है, फिर वो वहीं से ABCD से शुरू करना पड़ता है, रेजिस्टेंस हो गया तो और मुसीबत आई, फिर कल्चर कराओ, अब कौन सी वाली एंटीबायोटिक लगेगी, ये ढूंढो, कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि ये मैंने देखा है इसलिए मैं बता पा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि रिकरेंस इंपॉर्टेंट है, कि आप रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना, डालते रहो पैसे, डालते एक सिस्टम बना रखा है हर महीने, हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, 4 दिन में, तो आपको ये रिकरेंस मेंटेन करनी है, सेंट्रल आर्ट, धीरे 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 करके आपके ऑटोनोमस का पार्ट एंड पार्सल बन गया। अब आप हर हाल में ध्यान दो, आपको मेडिटेशन करने की, बैठने की,
आपको आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे बैठना है, बैठा नहीं कई दिन हो गए, आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, किसी वजह से घर में शादी वादी आ गई, आपको फुर्सत तो है ही नहीं, बैठने का भी टाइम नहीं है, कभी कोई आवाज मार रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का अरेंजमेंट करना है, तो आपने ये डेवलप कर लिया अगर, अब आपको कोई समस्या नहीं है, नहीं बैठ पा रहे कोई बात नहीं, कनेक्टेड हो, हर हालत में कनेक्टेड हो, नहीं तो ये चीज डेवलप करने की है, और जब ये डेवलप होने लगती है उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू होते हैं, वरना उससे पहले अच्छे दिन थे नहीं, फिर तो ये था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और अब हाँ अच्छे दिन तो चल रहे हैं, चेहरे की रौनक बता रही है, शरीर बीमार हो सकता है पर चेहरे की रौनक है, क्योंकि शरीर का अपना सेटअप है, वो अलग सिस्टम से चलता है, हमारी चेतना अलग सिस्टम से काम करती है, तो इसलिए महत्व बदल जाता है सारा। और सरन जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई, मजेदार, कुछ और सा याद आ रहा हो तो वो भी बता दो, क्योंकि आप लोगों की बातें ना इतनी जीवनदायिनी शक्ति की तरह है, बहुत सारे सहयोग की प्रतीक्षा, जैसे किनको पता है ना वर्कशॉप होगा या हो रहा है, अब देखना कितनी बेसब्री से इंतजार होगा वीडियो बनाएंगे जबकि जूम पे भी वही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, और फिर भी एक इंतजार है। जी सर जी जी कुछ और कहूँ, बाकी एक चीज और है कि पहले श्री माता जी को देखते थे, श्री माता जी के लिए प्यार था, और फिर भी थोड़ा सा कभी डाउट सा भी होता था, तो अब तो पक्का पता है आदि शक्ति वहां से कनेक्टेड है, तो उसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट बचा नहीं, अब एब्सोल्यूट परफेक्ट उनको महसूस किया है आदि शक्ति के रूप में, तो उनके साथ जुड़ जाने से तो वो डाउट भी खत्म हो गया कि भाई क्या है क्या नहीं है, या श्री माता जी आदि शक्ति हैं इसके बारे में भी एब्सोल्यूटली कंफर्म हो गया, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि पहले तो बीइंग ए सिख वैसे ही थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है ये सब करते करते, और अब यहाँ यहाँ सेशन में और इसमें क्लासेस में आने के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अब आदि शक्ति से सीधा जाके कनेक्ट हो जाते हैं, तो जब आदि शक्ति से कनेक्ट हो गया तो अब क्या डाउट का मतलब ही कहाँ, और कई बार ऐसे कोई कोई अल्लाह बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, तो हमें बड़ी हंसी आती है, हमें कहते हैं हम तो उससे जुड़ गए, अब हमें कोई डाउट नहीं है, कोई सिख रिलीजन है या मुस्लिम रिलीजन है या हिंदू रिलीजन है, मेरे को ये लगता है कि ये तो छत पे जाने की एक सीढ़ियां हैं, अब सीढ़ियों पे जो रास्ते में पड़े हैं वो कह रहे हैं अबे तू सीढ़ी पे मत जा, मेरी सीढ़ी पे आ जा, जब हम छत पे चढ़ के हमने देख लिया तो अब सीढ़ियों में बस के नहीं दिखता, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, ब्यूटीफुल। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब माँ आदि शक्ति से मिल लिए, उस छत पे चढ़ गए, तो अब ये सीढ़ियां सब मेरे को कोई अल्लाह बुलाता तो वो भी लगता है यार वो सीढ़ी से आ रहा है यार, उसका हाथ पकड़ना चाहे, और कोई कुछ बुला रहा होता तो मुझे लगता है कि जय श्री राम है, तो वो है तो वही सीढ़ी पे, और ऐसे ही लगता, तो वो डिफरेंस जो है वो भी हट गया। एक और जो चीज मैंने की ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि एक बहुत बढ़िया स्टैंड बना हुआ है, कोई 100 मीटर ऊपर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और उसकी चार डायरेक्शन में सीढ़ियां हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है अंतर, बस यही है। अब कोई रिलीजन कहता है ना, मैं इसे रिवीजन कहता हूं, रिलीजन वर्सेस रिवीजन, क्योंकि ये आपको रिवाइज करा रहे हैं, भैया तुम परमात्मा की संतान हो, अब सारे रिवाइज करा रहे हैं, सारे रिवाइज कराना चाहते हैं आपको आपके अंदर कि भाई तुम परमात्मा के संतान हो, बताओ कौन सा रिलीजन ये बात नहीं कहता, यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड, और कोई रिलीजन यही कहता है ना, तो रिलीजन नहीं है ये, रिवीजन है अब आपको याद आ गया है तो जो प्रेजेंट में जो मार्ग उपलब्ध है, क्योंकि टाइम के हिसाब से मार्ग अपडेट होते जाते हैं और एडवांस हो जाते हैं, अपग्रेडेड अपग्रेडेड मार्ग मिलते हैं,
तो रिवीजन तो कराया कि आप परमात्मा की संतान हो, तो अब चलो जो अवेलेबल रास्ता मिल रहा है आपको, एक ही बात है, क्योंकि वो रिलीजन रिवीजन कराने के लिए थे, आपके अंदर ये स्टेब्लिश हो जाए कि यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। तो अब आपको ये पता लग गया कि मैं तो संतान हूं ईश्वर की, तो फिर आप अपना रास्ता ढूंढो, कि जो वर्तमान में गॉड ने अवेलेबल कराया है रास्ता उसे आप ढूंढ लो। इसलिए सदगुरु ने कहा खोजो, नित्य खोजो, अपने भीतर खोजो, कहीं कुछ मिलेगा है ही नहीं भीतर के अलावा, सबने एक बात यही कही है। तो किससे कहानियां जो है अपनी जगह है, किससे कहानी हमें बस स्मरण कराने के लिए होते हैं, असली तो जीने पर होता है, उस चीज को आप जियोगे तब आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे, इसलिए देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। हाँ, बस आप उस तक अटक के रह रहे वो समस्या है, अटकना नहीं है, आगे की तरफ चलना है। जैसे कि अपडेटेड, हम अपग्रेडेड वर्जन की कार लेते हैं, हम 20 साल पुरानी कार नहीं लेना चाहेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई चलो 4-5 साल पुरानी दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 साल पुरानी में बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज नहीं होते। इसी प्रकार से प्रभु का रास्ता मिलता है, अब जो रास्ता मिल रहा है आज की तारीख में, 50 साल बाद कोई और रास्ता होगा निश्चित रूप से, और रास्ता कौन निकालेगा, शायद अब जरूरत ना पड़े, आप लोग हैं तो किसी सदगुरु को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, आप ही लोग होंगे, अपने अनुभवों से आधार पे आपने जो भी एक रास्ता निकला होगा आप उसको शेयर कर रहे होंगे, तो जो आने वाला होगा उस काल का होगा, अच्छा ठीक है इसमें चल के देख लेता हूँ, पता लगा हाँ मिल गया, हाँ मिल गया, बस खत्म, इतना ही तो है, जिना जीना खोजा तिना तेना पाइया, यही तो चीज है असली। क्या भाई आप पहले रिलीजियस हो कोई बात नहीं, रिलीजन ने आपको ये बता दिया कि ठीक है भाई तुम तो मेरी संतान हो, अब रास्ता तो चलो मेरे तक आने का, मेरे तक आने के लिए तो पहुंचना पड़ेगा ना आपको, चलना पड़ेगा ना उसके लिए, तो आपने खोजा रास्ता कि आज के काल में ये वाला रास्ता वहां तक जाने के लिए उपलब्ध है। जैसे आप मुंबई जाते हो और मुंबई में आपने घूमना है, तो आप ऑप्शन ढूंढोगे, कैसे जाऊं, टैक्सी मंगाऊं या लोकल ट्रेन पकड़ लूं या ओला उबेर की जो कैब मंगा लूं, या कोई फ्रेंड रहता है उससे पूछूं भाई खाली है तो आज के घुमा देगा। मुंबई घूम रहे हो तो कोई सेट तो नहीं है ना, आपने सेट नहीं किया ना भाई यही बस मैं तो टैक्सी से ही घूमूंगा, पर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा भी अवेलेबल ऑप्शन चूज करते हो ना, जो कंफर्टेबल होता है, जो आपका टाइम भी बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है, आपके पैसे बचाता है, तो आप कोशिश करते हो कि वो ऑप्शन आपको जिसमें कन्वीनियंस भी हो, आपको परेशानी भी ना हो। तो इसी प्रकार से ईश्वर के रास्ते, ईश्वर के दरबार तक जाने के लिए आपको वर्तमान काल में जो अवेलेबल मीन है, रास्ता है, मीन्स है, आपको वो ही तलाशना होता है। इसी के लिए सद्गुरु ने कहा था खोजो और रोज खोजो और कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अब जो सरंजीत जी ने बताया वो कि वही वो ड्रिंक जो करते थे, अब ड्रिंक करने वाले को अब वो एक ड्राई एरिया में चला गया, ड्राई, अब मान लो पता लगा ऐसे चले गए ऐसे एरिया में, ड्रिंक करने वाला ऐसे एरिया में चला गया जहां मिलती नहीं है, पर वो जुगाड़ भाई कर करा के ढूंढ निकालेगा कहीं से भी, कहीं जाए गांव में भी जाना पड़े किसी, ढूंढ ढांड के वो ले ही आएगा, शाम तक का प्रबंध उसने कर ही लेना है। अब ये थोड़ी उसे पता थोड़ी तक कहां मिलेगी, पर उन्हें ढूंढा यहां ढूंढ वहां ढूंढ, ये पता कर, स्टैंड पे पूछ, टैक्सी ड्राइवर से पूछ, उन्हें पता है रेगुलर पीने वाले तो यही लोग होंगे, ट्रक वाले से पूछ, हाँ भैया कहां से ला रहा है हमें भी दे दे, एक्स्ट्रा हो तो मेरे को भी दे दे, या कोई ऐसे हैं क्लब में गए हुए हैं, कैसीनो में गए हुए हैं, वहां पे शौकिया लोग हैं उनसे ही आइडिया ले लेंगे, कई बार तो वही प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो ढूंढ ढांड के कर लेगा प्रबंध। तो इसके लिए वो इंटेंसिटी चाहिए, शराब की, शराब पीने का शौक रखने वाली इंटेंसिटी यदि परमात्मा को खोजने वाले लोगों में हो तो यूं ही मिले परमात्मा। अगर अगर नशा करने वालों से कुछ सीखना है तो नशे की उपलब्धता के लिए किए गए प्रयासों को आप अपना लो,
इस रास्ते पे देखो फट मिलेंगे भगवान जी, मिस नहीं करने का, वो तक कहीं से भी लाएगा नहीं। अब देखो बोतल के लिए इतने प्रयास, और जो वहां तक पहुंचा देगा कि बोतल की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि किसी नशे की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसके लिए हम टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस विकसित नहीं हुई है। अभी सरन जी जी ने इतनी सुंदर बात बताई प्रायोरिटी, और कब से मैं इस बात को कह रहा हूं, इफेंट बट छोड़ो प्रायोरिटी डिसाइड करो बहुत से लोग कहते हैं ये वो हो गया, मैं कहा भाई पहले ये बताओ आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, जो प्रॉब्लम के मारे लोग फोन करते हैं वो कहेंगे ये, मैंने कहा ना प्रायोरिटी पहले बताओ, कहानी मत बताओ, प्रायोरिटी पे आओगे तो मैं कुछ बताऊं, प्रायोरिटी नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं क्या हेल्प करूंगा आपकी, क्योंकि घर के किस्से तो मैं आपके ठीक कर सकता, वो तो आपके खुद करेंगे, लेकिन आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ये मुझे पता है, आपको समाधान मिल जाएगा 100%। क्योंकि जहां से हम आए हैं, जो हमारा स्रोत है, उससे जुड़ने के बाद हमें वहां के भी रास्ते मिल जाएंगे, हम कैसे मैनेज करें, लेकिन जब तक जुड़ोगे नहीं तो किसी की भी आपकी समझ, किसी की भी सलाह आपको काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी परिस्थितियां और उसकी परिस्थितियां भिन्न है, अलग अलग है, बहुत मुश्किल है सलाह लेना और सलाह मानना, क्योंकि सबको लगता है तेरी जिंदगी में ज्यादा दुख है, पूछो आपस में बात करके देख लेना, तेरी जिंदगी में ज्यादा झगड़े हैं, सबको यही लगता है, इंटरेस्टिंग बात देखो आप, नहीं आपको पता नहीं हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है भाई नहीं पता, जानना भी नहीं चाहता, टोकरा रखा हुआ है आपने सर में, पता ही है तो पहले ही उलट दो आराम से जाओ, मेरे को याद आ गया वो टोकरे वाली बात थी, ऐसी गुफा का जिक्र था जिसकी हाइट कम थी कि टोकरा भारी गिर जाएगा याद आ गया मुझे भी, वरना मैं भूल गया था इस बात को, तो पूरा सेशन भी याद आ गया, पूरा याद दिला दिया तुमने, वैसे याद नहीं आता मुझे आसानी से है, लेकिन आज आ गया तो ये सारी चीजें हैं, और उस कंडीशन में हमारे जो ग्रोथ है उसी में होनी, अब ग्रोथ करके क्या करना है, यही करना है, शांति से कैसे रहें और क्या करना है, जितने दिन अच्छा आराम से संसार में है वो खुशी खुशी आनंद के साथ कैसे बीते, और इसका कोई पर्पस तो है ना, नहीं पर्पस क्या है। अब एक बार मैंने कहा था ना कि वो फ्रंट पे जो है सैनिक है, वहां पे रोज फायरिंग होती है, तो एंटरटेनमेंट तो वो भी करते हैं, रिलैक्स तो वो भी रहते हैं, ठीक है फायरिंग आ रही है कोई बात नहीं, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है वहां, उन्होंने कहीं कुछ ना कुछ चला रखा होगा, मोबाइल खोल के गाने देख रहे होंगे उस वक्त, उधर शॉट भी कर दे रहे हैं और उधर गाने भी सुन रहे हैं, उनका डेली का काम है ये, तो कहां दुख मनाए, कितने दुख मनाए, नहीं भाई आप जीवन में आप एक वॉरियर की तरह हो, जो जिंदगी के फ्रंट पे संघर्ष कर रहा है, जिंदगी के फ्रंट पे पता नहीं कहां कहां से फायरिंग हो रखी है, कहां कहां से एम्बुश फायर आ रहा है आपकी तरफ, आपको बचना भी है, आपको शील्ड भी तैयार करनी है, आपको आनंद भी लेना है, नहीं भाई फ्रंट पे जो सैनिक होते हैं उन्हें ये पता होता है, आर्टिलरी से भी अटैक हो सकता है, गन फायर भी हो सकता है, और तोप का भी, उसका कहीं से कोई ऊपर से ड्रोन वगैरह से भी कोई फायरिंग हो सकती है, तो तीन चार तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जिंदगी के फ्रंट पे तो अनगिनत जगह से फायरिंग होती है, कितने प्रकार की फायरिंग होती है आपके ऊपर आपको पता ही नहीं चलता, वो तो चार पांच जगह से रोके हैं, यहाँ तो सहीयों जगह है जहाँ से फायरिंग होगी, और आपको बचाना है अपने आप को भी और अपने साथ में जो है उनको भी बचाना है, तो इसलिए अपने आप को शील्ड तो करना ही पड़ेगा ना, और साथ में आनंद भी लेना, जीवन भी व्यर्थ ना चला जाए, पता लगा बचाने में ही जीवन निकल गया तो भी व्यर्थ हो गया, तो उसके साथ आनंद भी मिटाना, आनंद का भी पूरा आनंद लेना है कि ये मौका मिला हुआ है दोबारा तो मिलेगा नहीं, और रोज जिंदगी से एक दिन कम हो रहा है, एवरी डे काउंटिंग हर रोज एक कम हो जाती है, 70 साल की आयु का मतलब है 25-26 हजार दिन की आयु, और डेली एक दिन कम हो रहा है, और जितने हम घटा चुके हैं उससे तो माइनस कर ही दो तो हैरान हो जाओगे, हैं 10 हजार दिन ही रह गए केवल, इसके लिए इतना प्रपंच क्यों रचे भाई, हम शांति से रहते हैं, चलो भाई छोड़ो
अगर आप साल सोचोगे, अगर ये सोचोगे पता नहीं मेरी मृत्यु कब होगी, तो आपको रहेगा तो मर ही नहीं सकता। अगर आप काउंटिंग कर लो एक बार, एवरेज निकाल लो कि भाई भारत में एवरेज डेथ रेट क्या है, तो पता लगेगा 65 साल 70 साल या और भी कम। तो अब आप काउंट करोगे मैं कितने का हूं, है केवल 2000 दिन बचे में एवरेज के हिसाब से, बाकी बोनस पे होगा, तो बस फिर चिंता हो जाती है, छोड़ो भाई अब किसी लफड़े में नहीं पड़ेंगे, पता नहीं कब ध्यान में बैठकर निकल लिए पता ही कुछ नहीं, नहीं फिर तो सूचना ही जाएगी, अच्छे खासे बैठे थे निकल लिए होता है ना। अरे कल ही तो मैं मिला था जब वहां पे उनका वो प्रोग्राम चल रहा होगा, चाहे तो बॉडी पड़ी है, मतलब बॉडी है वहां पे, सब लोग इकट्ठे हो गए नियर एंड डियर, अरे कल तो आए थे चाय तो पी के गए थे, कुछ लग तो रहा नहीं था, हाय परमात्मा की मर्जी कैसे निकल सकते हैं, ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आत्मा है तो नाम है, जैसे ही आत्मा गई वो बॉडी हो जाती है। हाँ वो तो है, कितना बॉडी तो है, तो जीवन चला जाता है ना। अब एक मानव है उसके अंदर ईश्वर है, अब वो राक्षस के संपर्क में है तो भगवान ने कहा बाय टाटा मैं तो चला, तू राक्षस के अधीन चल, वो छोड़ के चले जाते हैं, हमें पहले ही छोड़ देते हैं कि जा आप तेरी शरीर, तू तू तो ये ढांचा मात्र है, मैं तो हूं नहीं इसमें, होता है नहीं। तो सरन जी जी बहुत अच्छा लगा, अब कौन रह गए साहब, विभोर जी आइए आइए आइए। हाँ सरन जी जी की एक बात बतानी भूल गया मैं, वो माइक तो अपने पास ही रखो। सरन जी जी ने जूम सेशन में जुड़ने से पहले पूछा पहले कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैंने कहा ये कोर्स है इन्हें कर लो, फिर सरन जी ने बड़ी आशा भरी भाव में मेरे को कहा देखिए मैं 9th वर्कशॉप कर रहा हूँ, मैंने कहा सरन जी जी 11 तक 10 तक पूरे करने हैं ले अच्छा जी ठीक क्योंकि इनका लग रहा था अब तो 9th पे आ गया क्या पता एंट्री मिल जाए अभी क्योंकि एक अच्छा लगता है ना कि जल्दी से हो जाए थोड़ा सा। लेकिन उसके बीच में मैंने सीखा था, वो ड्यूरेशन के बीच में भी एक इम्पोर्टेंट सीखा था मैंने, तो बता दीजिए ना देना जरा माइक को। तो उसके बीच में जब आपने बोला था कि 9th में भी अभी थोड़ा वो पूरा करके आना, तो जब मैंने वो की तो उसके बाद मैंने अपने सेंट्रल हार्ट की एनर्जी में वर्किंग करना सीखा था कि कैसे हम उसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने उस ड्यूरेशन में मेरे को वो सीखा था कि भाई कैसे हम अपनी सेंट्रल एनर्जी को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम चिंतन करें। मैं चिंतन कर रहा था तो जैसे फादर लाल को ऐसे टीवी था तो ऐसे चिंतन किया तो क्यों होता है वो पूरा का पूरा अंदर से ही आ गया यही तो। ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूब क्लॉट होना, पता नहीं मेरे को क्या ट्यूब क्लॉट हो रही है तो वो ट्यूबर क्लोसिस है, फिर ऐसे बॉडी में किया तो पूरा वो MBBS ही अंदर से आना शुरू हो गया MBBS आना शुरू हो गया। हाँ उतना इतना पैसा खर्च करते हैं भैया सरन जीत जी की, मान लो MBBS घर बैठे हो जाएगी और ये सच बात है जो ये कह रहे हैं, आता है अपने अंदर से ही, बोलता नहीं जी आती रहती है क्योंकि ये मजा उनको है जो कनेक्टेड है, जो इस तरह आतुर है कि भाई भीतर से क्या आ रहा है पहले उस पे निगाह, बाद में जो कोई कह रहा है तो ठीक है पहले अंदर वाले पे ध्यान दूंगा। अब प्रायोरिटी की लाइफ की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं प्रायोरिटी पहले हृदय की से आने वाले संवाद की होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आप किसी को भी दे सकते हो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दो कि कौन सा संवाद कौन सी कम्युनिकेशन मेरे भीतर से प्रकट हो रहा है, वही मेरे हित का है, मेरे अवस्था के मुताबिक चेतना की ये कम्युनिकेशन आ रहा है और यही बेस्ट है मेरे लिए, ये बात अच्छे से समझना चाहिए और यही प्रायोरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए संसारिक जीवन जीते हुए जी। और बताइए। हाँ विभा जय श्री माता जी, मेरा नाम विभव और मैं नोएडा से आ रहा हूँ।
सहज में आए तो काफी समय हो गया, पुरानी बात हो गई, लेकिन वही क्रॉल करते रह गए। और शुरू में काफ़ी वाइब्रेशंस महसूस होती थी, सेमिनार्स में गए और वहाँ पे भी बहुत वाइब्रेशंस भी बहुत आनंद दिया। शादी से पहले की बातें हैं सर, उस दौरान काफ़ी चीज़ें घटित हुई जीवन में और बहुत आनंद आया मतलब। और घर से लग गया था सहयोग में, लेकिन सबको पता था कि सहयोग करता हूँ, तो ऐसे जैसे बताया किसी ने कि भाई चेक करने वाली बात थी आपने शादी करी, तो पेरेंट्स ने चेक भी किया कि भाई क्या करता है, ऐसा तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो जब उनको पता लगा कि ठीक है ये सब इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने भी मुझे अलाउ किया जाने के लिए। तो शुरू में शाम को 6 बजे सेंटर चलता था, तो करीब 5:30-6 बजे काम वाम बंद किया सब अपना और चले हम लोग सेंटर के लिए। सब लोग देखते रहते थे अच्छा ये तो भैया चल दिया सेंटर के लिए, वहाँ पर वही जाके सब कुछ काम करना, दरी बिछानी और हारमोनियम लगाना, माइक लगाना। रितु मैम को बताया, रितु मैम वहाँ पे आते थे हमारे साथ में और शुरू में पहुँच जाते थे और सबसे लास्ट में आते थे, और क्योंकि अकेले थे बिल्कुल, तो सारा काम शुरू में करके सब कुछ चार्ट वार्ट लगा के और लास्ट में पहुँचते निकल जाते थे। फिर लास्ट में जब सब लोग चले जाते थे, ये रूटीन रहा शुरू में। फिर उसके बाद सहयोग में शादी भी हो गई, सहयोग का सही एम ही हो गई, कुछ तो हुआ होगा यार उसकी उसके पीछे एक स्टोरी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, एम ही थोड़ी हो गई। तो कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, मैं सहारनपुर से था और ये नोएडा में रहते थे, तो कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इनका हो सकता है आपस में, तो मेरे भी पेरेंट्स को बताया उन्होंने। तो पेरेंट्स ने बोला भाई तुम खुद ही देख लो एक बार, चेक कर लो, जाओ तुम तो दिल्ली जॉब करते हो देख लो। इन्होंने इनका फ़ोन आया नोएडा से, ईस्टर पूजा के दिन, नोएडा में ईस्टर पूजा होती थी तो बाकी किसी सेंटर में ईस्टर पूजा नहीं होती थी। तो हमने कहा हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं है आज, तो उन्होंने बोला कि हम तो पूजा में जाए। उसके बाद में फिर ठीक है, तो फिर मैंने कहा ठीक है हम लोग मिलते हैं, एक दिन आते हैं नोएडा में मिलते हैं आऊँगा तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने 3-4 दिन ऐसे बात की, फ़ोन पर बात की, फ़ोन पर बात करते करते श्री माता जी ने इतनी एक्सेप्टेंस दी और सरेंडर के थ्रू हमने बातें की, तो एक दूसरे को परमिट भी किया। हमने फ़ोटो देखा नहीं था ना, उन्होंने हमें भेजा था फोटो उस ज़माने में, मोबाइल फ़ोन भी ऐसे आज वाले टच वाले नहीं थे। तो इन्होंने प्रेरित किया, मैंने इनको प्रेरित किया, तो मैं तो ऐसा हूँ, इन्होंने मुझे प्रेरित किया मैं ऐसी हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं, जैसे श्री माता जी ने इच्छा वैसा हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस पूरा था कि भाई अब शादी होनी है तो हमारी आपस में हम आपसे शादी करेंगे, और इन्होंने भी बोला कि नहीं शादी होगी। तो हम पहुँचते हैं वहाँ पर नोएडा में, अब ये मेरे को कैसे पहचाने, मैं इनको कैसे पहचाने, ये बड़ी समस्या थी। तो थोड़ी सी यहाँ पर भी थोड़ी एक फिल्मी स्टाइल में मैंने स्कूटर मांगा ऑफिस वालों का और हेलमेट लगा के मैं पहुँच गया नोएडा में। पहली बार आया था दिल्ली से, रास्ता भी नहीं पता था, तो मैंने किसी से पूछते पूछते पहुँच गया मैं। और सबसे पहले कलंदी कुछ पार करके जो 18 सेक्टर आता था वही पहले हुआ करता था, फेमस जगह जहाँ पे मॉल शॉल और ये सब चीज़ें होती थी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने हेलमेट उतारा नहीं और इनको फ़ोन लगाया, हेलमेट के ऐसे फ़ोन लगा के हेलमेट के साथ में कि कहाँ हो तुमने, बोला मैं ऐसे खड़ी हूँ। तो हमने इनको देख लिया लेकिन इन्होंने नहीं देखा। तो लेकिन वाइब्रेशंस के थ्रू या कैसे भी ये जो है सीधी मेरे पास तक पहुंच गई। हमने मूवी दूसरी तरफ करके रखा कि भाई जिससे ये पहचान ना सके, लेकिन करते करते पता नहीं श्री माता जी ने इनको वाइब्रेशंस दी और ये हमारे पास तक पहुंच गया। और फिर हेलमेट उतार के फिर जय श्री माता जी बोलना पड़ा। तो एक मिनट रुकूंगा जी, एक दूसरे को पसंद आए थे पहली बार देखा था वो उससे पहले ही एक्सेप्टेंस हो चुकी थी, तो उससे भी कहीं ज्यादा मैं देखा नहीं था ना। हाँ, देखा नहीं था तो ये बड़ी बात है ना, एक्सेप्टेंस आ गई, इसीलिए तो मैंने पूछा पसंद आए थे नहीं। उससे पहले ही सब एक्सेप्टेंस वो ये हार्ट से चल रहा था अपने आप, तो हार्ट की फीलिंग थी वो कि शिवाती जी ने जो चूज किया है वो पूरा समर्पण था कि तो उस समय ऐसी कोई भावना थी ही नहीं कि नो पसंद आई है नहीं आई है, तो वो भावना भी नहीं थी, तो पहले से एक्सेप्टेंस थी। तो इस तरह से करते करते पेरेंट्स को बताते हैं सब कुछ ठीक है। और उसके बाद कुछ हमारा कोर्टशिप पीरियड रहा और उसके बाद शादी की डेट तय हो गई। और जिस दिन भी हम लोग मिले थे, मतलब मौसम तो गर्म था उस टाइम पे, लेकिन शावर्स थे, ब्लेसिंग्स जैसे बोलते हैं कि श्री माता जी जब मिलवाते हैं तो कुछ शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, हल्की हल्की ड्रिजलिंग, दो बार शुरू में जब भी माँ ने मिलवाया तो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब फील होता था हमेशा, एकदम
वाइब्रेशंस जैसे साथ में चल रहे हैं, पूरा एक अलग कारण क्या है बता सकते हो? नहीं, यूनियन ऑफ सोल्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, जो दोनों की कुंडली है वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में, दैट एंड यू आर फीलिंग, क्योंकि कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ कुंडनीज ही अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी को डेवलप कर सकती है, कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी बात ये नहीं कहा मैं, तो कुंडली देख के बताती हूँ कि भाई ये उसके साथ ठीक है उसके साथ। अब कुंडली में क्या देख सकते हो, मैं शिमाताई की बातें नहीं बताऊँगा आप, क्योंकि शिमाताई की इतनी बात मैंने सुनी थी, पर जो मेरी चेतना और चिंतन कहता है कुंडली में क्या देखा जाता है। अब देखो कुंडली है आपकी मूलाधार में बैठी है, ठीक, अब उठ रही है शिमाताई की शक्ति से, उठ तो गई, पर उस कुंडली पे चेतना के स्तर का रंग चढ़ा हुआ है। पॉइंट की बात समझना इस बात को, कुंडली तो उठ गई है तो कुंडली में शिमाताई तो क्या देखती होंगी मुझे मालूम नहीं, भाई वो तो माई जाने, पर जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी अवेयरनेस कहती है कि कुंडली चक्रों को स्पर्श करके ऊपर उठती है, तो चक्र के स्तर पे हमारी चेतना